हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। आज पढ़ेंगे टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। कितनी तरह के हाइपोथेसिस होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हाइपोथेसिस का टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइपोथेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे उसकी टाइप्स हो या हाइपोथेसिस हो या नल हाइपोथेसिस हो। इन सब के मीनिंग पे अक्सर जो है कई सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप एनटीए नेट की तैयारी जो है अन अकेडमी से करना चाहते हैं, तो वहाँ मेरी 10 बजे की जो फ्री क्लास है उसको एक्सेस कर सकते हैं। रोज़ आप पेपर 1 के PYQ वहाँ शुरू होने वाले हैं आज रात से, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएगा टेलीग्राम का, जिसमें मैंने क्लास के लिंक आपको सबसे पहले मिल जाते हैं। SGRYT कोड है, अनलॉक कोड, उससे जो है इस क्लास को आप अनलॉक कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो कि पेड सब्सक्रिप्शन है, तो 1 महीना आपको ज़्यादा मिलेगा, और 12 महीने का पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे SGRYT कोड के साथ। 11 से लेकर 13 तारीख के बीच में आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे बात करेंगे कि रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है। एक एजुकेटेड गेस भी कहते हैं, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं, एक अजम्पशन भी कहते हैं, इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। बेसिकली हम अपनी रिसर्च को जब एक दिशा देना चाहते हैं, जब हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं, जो रिसर्च का पहला स्टेप है, दूसरे स्टेप में हम अपनी रिसर्च के बारे में लिटरेचर रिव्यू में पढ़ चुके होते हैं, तो तीसरा जो स्टेप होता है जहाँ पे हम अपनी रिसर्च को एक डायरेक्शन देना चाहते हैं कि हम अपनी रिसर्च के बारे में क्या सोचते हैं, तो इसीलिए हाइपोथेसिस को हम एक एजुकेटेड गेस कहते हैं कि भाई हमने ऐसे ही कोई गेस नहीं कर दिया है, और फिर वो चीज़ हमारे लिए एक मौका मिल बनती है जो हम डायरेक्शन देते हैं अपनी रिसर्च को। तो बेसिकली एक असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं एक अच्छे जो है हाइपोथेसिस की, कि उसकी क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए, वो फोकस्ड होना चाहिए, और साथ ही साथ रिलेशनशिप क्या है हाइपोथेसिस की रिसर्च के टॉपिक के साथ ये क्लियरली स्टेट किया होना चाहिए, बताया जाना चाहिए, और आपका हाइपोथेसिस टेस्टेबल होना चाहिए, और अगर टेस्टेबल है तो क्यों ये भी आपको मेंशन करना चाहिए। साथ ही साथ पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस क्या हो सकती है जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, क्या आपका हाइपोथेसिस में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है ये आपको डिफाइन करना आना चाहिए, और क्या आप मैनिपुलेट कर सकते हो अपने वेरिएबल्स को बिना हैम्पर किए किसी भी एथिकल स्टैंडर्ड को रिसर्च के, ये बड़ा ज़रूरी है। तो देखिए, जो हाइपोथेसिस है उसकी पहली टाइप है सिंपल हाइपोथेसिस, कि इट प्रिडिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन एक सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल और एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि मान लीजिए टीचर जो है या टीचिंग मेथड जो है वो एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और स्टूडेंट जो जिसकी पढ़ाई इन टीचिंग मेथड से इफेक्ट होगी तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एक सिंपल हाइपोथेसिस क्या करता है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल को साथ लेके चलता है। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या होता है, ये प्रिडिक्ट करता है रिलेशनशिप दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की। जैसे मान लो कि सनलाइट का प्लांट की ग्रोथ पे क्या फ़र्क होगा, और सॉइल का प्लांट की ग्रोथ पे जो है क्या फ़र्क होगा, या प्लांट लीव्स पे क्या फ़र्क होगा। तो यहाँ पे क्या है कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दो जो है या उससे ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल, तो कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। फिर आता है एक डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। जैसे कभी कभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेट्स से मोस्ट ऑफ दी मेन, उनकी जो एवरेज हाइट है इंडिया में वो 5'8" से कम है, ठीक है। तो ये हो गया एक डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कि हमने लेस देन 5'8" ले लिया है, या हम मोर देन 5'8" ले सकते थे, तो एक दिशा देना। जैसे अगला है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, तो ये प्रिडिक्ट करता है एग्जैक्ट डायरेक्शन को और नेचर ऑफ द रिलेशनशिप को दो वेरिएबल के बीच में। तो यहाँ पे क्या है कि नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, जहाँ यहाँ तो हमने जो है मोर देन लेस देन की बात कर दी थी, लेकिन यहाँ हम मोर देन और लेस देन जो है वो कुछ भी नहीं कहेंगे और उसको जो है नॉन डायरेक्शनल रखेंगे। इसके बाद आता है एसोसिएटिव और कॉजल हाइपोथेसिस, जहाँ पे हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे, तो वहाँ पे हम कॉजल हाइपोथेसिस या एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस बोल देते हैं। नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, देखिए आप ऐसे समझिए कि मान लो कि न्यूटन की थ्योरी है, तो न्यूटन की थ्योरी है ग्रेविटी के ऊपर, तो जो न्यूटन का ग्रेविटी का सिद्धांत है वो अभी तक एक्सेप्टेड है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे नल हाइपोथेसिस, और आप जो थ्योरी लेके आते हैं एज अ रिसर्चर, जो रिसर्चर की अपनी थ्योरी होती है, तो उसे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम कहते हैं। तो वहां पे अगर आप एक नई ग्रेविटी पे थ्योरी लेके आ रहे हो तो वो आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी, और अगर आप रिजेक्ट कर देते हो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को तो आपकी थ्योरी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो नल हाइपोथेसिस को इसलिए नेगेटिव हाइपोथेसिस भी बोल दिया जाता है कि ये लगभग, अगर मान लो कि ग्रेविटी का कोई सिद्धांत ना हो और आप पहले बंदे हो जो ग्रेविटी पे थ्योरी लेके आ रहे हो, तो इसी आपके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की एंटी एस्टैब्लिशमेंट, मतलब ऑपोजिट जो है एस्टैब्लिशमेंट, वो नल बन जाती है। तो आई होप कि आपको ये सब टाइप्स जो है वो समझ में आई होगी। साथ ही साथ डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शन जो हमने अभी किया, एसोसिएटिव जहां हम चीज़ों को जोड़ देते हैं, और कॉजल जहां पे हम कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं, और स्टैटिस्टिक जहां पे हम नंबर्स में मेंशन कर देते हैं हाइपोथेसिस को। अगर आप बोलोगे तो मैं इसका एक और डिटेल लेसन बना सकता हूं, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोज जो है वो मिलते रहें, और आगे भी आपको जो है ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स इस महीने ही मिलेंगे। शुक्रिया।